हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन लूप सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, ओपन लूप सिस्टम यानी ऐसे सिस्टम जिसमें हमारा जो आउटपुट है वो किसी भी कंट्रोल एक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है ये ऑटोमेटिकली खुद को करेक्ट नहीं करेगा अगर यहाँ पर आउटपुट चेंज होता है तो। इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, अ सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द ओपन लूप सिस्टम। तो दोस्तों, इसमें यानी ओपन लूप सिस्टम में एक बात कंपलसरी आपको ध्यान में रखनी है कि कंट्रोल एक्शन जो है ये टोटली इंडिपेंडेंट रहती है आउटपुट पे। इसका मतलब है हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। दोस्तों, मैंने बात बिल्कुल सही की है, हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम जो है वो है लैंप, फैन, ट्रैफिक सिग्नल, ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग एक्सेट्रा। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो रहती है इसमें हमारा आउटपुट कांस्टेंट रहता है, और अगर आउटपुट एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंज भी हो जाता है यानी एक्सटर्नल कंडीशन अगर चेंज भी हो जाती है तो भी हमारा आउटपुट बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, ये खुद को करेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन इन द आउटपुट नहीं रहता है। ओपन लूप सिस्टम जो है इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगी, इसमें एक कंट्रोलर रहेगा और हम ये जो कंट्रोलर है ये कनेक्ट रहता है प्लांट या फिर प्रोसेस से। अब देखिए, हम इनपुट जो है यानी हमारा जो डिजायर्ड रिस्पांस है वो हम अप्लाई करते हैं कंट्रोलर को। कंट्रोलर जो सिग्नल प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग सिग्नल, और फिर ये जो कंट्रोलिंग सिग्नल है ये हम हमारे सिस्टम के प्लांट को या फिर प्रोसेस को अप्लाई करते हैं और हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है जिसे हम एक्चुअल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आई है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोलर के बारे में। तो कंट्रोलर यानी द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ और एक्सटर्नल टू द सिस्टम विच कंट्रोल द प्लांट और प्रोसेस इज कॉल्ड कंट्रोलर। यानी एक सिस्टम का पार्ट हो सकता है या फिर एक्सटर्नल पार्ट भी रह सकता है सिस्टम के, जो सिस्टम को कंट्रोल करेगा यानी सिस्टम के इनपुट को बेसिकली कंट्रोल करेगा, और इनपुट को कंट्रोल करके बाय मीन्स ऑफ दैट इट विल कंट्रोल द आउटपुट, उसको ही हम कहते हैं कंट्रोलर। एग्जांपल दे सकते हैं कंट्रोलर का, एक बल्ब में लगा हुआ ऑन ऑफ स्विच, हम स्विच को ऑन करेंगे ऑफ करेंगे उसके हिसाब से हमारा बल्ब ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। रेगुलेटर ऑफ द फैन, फैन का रेगुलेटर हम स्पीड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम कंट्रोलर से हमारी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो एलिमेंट है वो है प्लांट। तो प्लांट यानी दोस्तों द पोर्शन ऑफ द सिस्टम टू बी कंट्रोल्ड, ये हमारे जिस सिस्टम का पार्ट रहेगा जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं प्लांट। अ प्लांट में बी अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और अजस्ट अ सेट ऑफ मशीन पार्ट। एग्जांपल दे सकते हैं, थर्मोस्टेट हो गया, फिलामेंट हो गया, फिलामेंट और हीटिंग एलिमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि फैन के ब्लेड्स या फिर उसका बॉडी पार्ट जो रहेगा वो एग्जांपल है प्लांट का। आखिरी है प्रोसेस। तो एनी ऑपरेशंस टू बी कंट्रोल्ड, अब ऑपरेशन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, न्यूमेटिक्स हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को यानी ऐसे ऑपरेशन को हम कंट्रोल करते हैं उसको हम कहेंगे प्रोसेस। अब ओपन लूप सिस्टम को हम एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ओपन लूप सिस्टम का पहला एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, फैन विद रेगुलेटर। तो दोस्तों देखिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की जो ब्लॉक डायग्राम है कुछ इस तरह से रहती है, जिसमें एक कंट्रोलर रहेगा और प्लांट यहाँ पे प्रोसेस रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं फैन विद रेगुलेटर की, तो डेफिनेटली यहाँ पर रेगुलेटर जो है ये कंट्रोलर करके वर्क करेगा और फैन जो है ये हो जाएगा प्लांट। यानी दोस्तों देखिए,
हमारा चेंज क्या हुआ है, कंट्रोलर की जगह पर रेगुलेटर आ गया, और ये जो प्लांट है यानी हमारा फैन है वो वाला। तो ये हो गई हमारी फैन एज अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, बेसिकली स्विच जैसे ही ऑन कर दिया, हम रेगुलेटर का कुछ नॉब जो है वो सेट करते हैं, और उस पोजीशन पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फैन हमारा फैन जो है वो रोटेट हो और कुछ हमें आउटपुट आरपीएम में मिले, यानी रिवॉल्यूशंस पर मिनट में हमें और यहाँ पर आउटपुट कुछ मिले। तो रेगुलेटर हमारा वोल्टेज यहाँ पर कंट्रोल करेगा और उसके बेसिस पे हमें कुछ करंट की कंट्रोल क्वांटिटी मिलेगी जो कि हम फैन को अप्लाई करेंगे, और फैन उसके हिसाब से रोटेट होगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज भी हो जाता है तो भी हमारे ओपन लूप सिस्टम जो है यानी फैन, इसका आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है। सेकंड एग्जांपल है ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का। अब देखिए ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में यहाँ पर रिले ये जो है यानी एक टाइम सीक्वेंस है, हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो ये जो है टाइमर ये रहेगा कंट्रोलर जैसा वर्क कर रहा है, और जो लाइट्स रहते हैं ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर के वो यहाँ पर प्लांट है। अब उसके इसका जो वर्किंग है बिल्कुल सिंपल है, हर एक रिले के हिसाब से एक पोजीशन के लाइट शुरू हो गए, बंद हो गए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रैफिक लाइट हमारा जो ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल होगा। अब यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कि एक साइड में अगर रोड की ट्रैफिक भी इंक्रीज हो जाती है तो भी यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता है, और हमारा जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है वो बिल्कुल वैसे ही वर्क करते रहेगा, इवन दो एक साइड में रश ज्यादा है दूसरे साइड में रश कम है तो भी। तो ये हो गया एग्जाम्पल ओपन लूप सिस्टम के बारे में। अब मूव करते हैं ओपन लूप सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर देते हैं। तो ओपन लूप सिस्टम में कंपोनेंट्स कम रहेंगे, तो इसका मतलब है दे आर इजी, दे आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। इसके बाद दे आर इकोनॉमिकल, देन कंपोनेंट्स कम लग रहे हैं तो इकोनॉमिकल भी रहेगा, देन कंपोनेंट कम है सिंपल है तो इसका मतलब है मेंटेनेंस भी कम रहेगा, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर लेस प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी रहता है, लेस प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी, हमारी सिस्टम स्टेबल रहेगी इन केस ऑफ ओपन लूप सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो ही नहीं रहा है। अब मूव कर लेते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। तो ओपन लूप सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि ये अन इनएक्यूरेट सिस्टम रहती है। हमने इनपुट दे दिया तो उस हिसाब से ये आउटपुट प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है सिस्टम पे। यहाँ पर इसका जो आउटपुट है उसकी एक्यूरेसी और क्वालिटी अगर हमें मेंटेन करनी है तो हमें इसको रिकैलिब्रेट बार बार करना पड़ेगा, ये यहाँ पर और एक डिसएडवांटेज होता है ओपन लूप सिस्टम के बारे में। अब मूव करते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो क्लोज लूप सिस्टम जो रहता है इसमें हमारा आउटपुट जो है ये ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है, यानी जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा यानी एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट यहाँ पर चेंज होता है। अब डेफिनेशन जो है यह है अ सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा उस हिसाब से हमारा इनपुट भी चेंज होते जाएगा। एग्जाम्पल है कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम के, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, एयर कंडीशनर, वोल्टेज स्टेबिलाइजर, क्लासरूम विद प्रोफेसर, देन मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स, ये जो एग्जांपल्स है ये है क्लोज लूप सिस्टम के एग्जांपल्स। अब इसमें क्लोज लूप सिस्टम में आउटपुट चेंज होते हैं जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट या फिर एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होगी वैसे, एंड देर इज अ कंटिन्यूस करेक्शन इन आउटपुट। तो यहाँ पर कंटिन्यू करेक्शन होते जाता है आउटपुट में। तो ये है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंट्रोलर और प्लांट, ये इतनी वाली डायग्राम बिल्कुल ओपन लूप सिस्टम जैसे ही है। अब चेंज होता है यहाँ पर फीडबैक का, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर फीडबैक करके हम कोई भी मेजरिंग एलिमेंट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और ये हो गया फीडबैक लूप।
यहाँ पर ये फॉरवर्ड पाथ और ये यहाँ पर फीडबैक पाथ हम कह सकते हैं, और ये हम इसको कनेक्ट करते हैं एक एरर डिटेक्टर से। एरर डिटेक्टर कहेंगे, कंपैरेटर कहेंगे, या फिर इसी को हम समिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। बाकी पूरी डायग्राम ये जो है कंट्रोलर और प्लांट प्रोसेस, ये हमारा बिल्कुल ओपन लूप सिस्टम जैसा ही है, यानी हम किसी भी ओपन लूप सिस्टम को फीडबैक एलिमेंट इस्तेमाल करके क्लोज लूप सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है ये हम डिजायर्ड इनपुट सेट करेंगे और उस हिसाब से कुछ ना कुछ आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड होगा। अगर हमारा डिजायर्ड इनपुट और जो कंट्रोल्ड आउटपुट है ये अगर सेम नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा जो भी मेजरिंग एलिमेंट है ये यहाँ पर कुछ एरर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कंपैरेटर। तो यहाँ पर एरर सिग्नल यानी हमारा जो डिजायर्ड इनपुट है और फीडबैक सिग्नल है उसका आउटपुट यहाँ पर रहेगा, जो कि कंट्रोलर को प्रोवाइड करेगा, और उस हिसाब से हमारा आउटपुट यहाँ पर एडजस्ट होते जाएगा और हमें एक डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लोज लूप सिस्टम के। एग्जाम्पल पहला है होम हीटिंग सिस्टम। होम हीटिंग सिस्टम कह सकते हैं या फिर कूलिंग सिस्टम भी रहेगा, बट डिपेंड करेगा, कूलिंग के लिए यहाँ पर कूलिंग एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे एंड सो ऑन। तो होम हीटिंग सिस्टम में क्या रहेगा, तो हम एक डिजायर टेम्परेचर सेट कर लेंगे, से हमने सेट कर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस अगर हमने सेट किया है, और अगर हाउस टेम्परेचर कुछ 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो, सॉरी 20 डिग्री है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड होगा और उसके हिसाब से हमारा जो वॉल है ये ओपन होगा और फिर हीटिंग एलिमेंट घर को हीट करते जाएगा। इस तरह से होम हीटिंग सिस्टम यहाँ पर वर्क करती है। जैसे जैसे और टेम्परेचर ड्रॉप होगा, उस हिसाब से फिर से हमारा जो सिस्टम है ये खुद को एडजस्ट करेगा और फिर से यहाँ पर कुछ एरर सिग्नल जनरेट होगा जो कि वॉल को ओपन करेगा, और बाय मींस ऑफ वॉल इट विल कंट्रोल द हीटिंग एलिमेंट एंड दस दिस सिस्टम विल वर्क। और एक सिंपल एग्जांपल और है क्लोज लूप सिस्टम का, ह्यूमन बीइंग। हम भी एक क्लोज लूप सिस्टम के ये एग्जांपल है। हमें यहाँ पर एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि हमें अगर एक बुक को यहाँ पर पिकअप करना है, तो हम क्या करेंगे, बुक के हिसाब से हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन सिग्नल देगा, यानी यहाँ पर ब्रेन कंट्रोलर करके वर्क कर रहा है और हमारे आईज जो है ये फीडबैक करके वर्क कर रही है, और ये फीडबैक सिग्नल कंटिन्यूअसली ब्रेन को यहाँ पर एरर सिग्नल प्रोड्यूस करके दे रहा है, एंड उस हिसाब से हम हमारे हाथों की पोजीशन एडजस्ट करते जाएंगे, एंड देन एट यानी अगर ये जो एरर है ये 0 हो जाएगा, तो उसके बाद हम हमारा बुक यहाँ पर पिक कर सकते हैं प्रॉपरली। तो क्लोज लूप सिस्टम के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस है कि क्लोज लूप सिस्टम की एक्यूरेसी हाई रहती है, और यहाँ पर एनवायरमेंटल चेंजेस को सेंस करते हैं और उस हिसाब से आउटपुट करेक्ट होता है। देन वो क्लोज लूप सिस्टम में यहाँ पर हाई बैंडविड्थ भी हमें मिलती है। देन रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नॉन लिनियरिटीज आर देयर। एंड डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं क्लोज लूप सिस्टम के। तो जो एडवांटेजेस हमारे ओपन लूप सिस्टम में थे, वही डिसएडवांटेज इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओपन लूप सिस्टम सिंपल था, तो ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक एलिमेंट ऐड हो गया, तो कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉस्टलियर भी ये रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ ये कॉस्टलियर भी हो जाता है। देन सिस्टम में बिकम अनस्टेबल। यहाँ पर कंटिन्यूअसली हमारा आउटपुट चेंज होता है, तो हो सकता है कि ये सिस्टम यहाँ पर अनस्टेबल भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। अलग अलग पॉइंट्स है, बिल्कुल कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक नहीं रहता है, क्लोज लूप में फीडबैक रहेगा। देन ये एडवांटेज ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस को हमने यहाँ पर सेट किया है, आप ये पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैंने वही पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो,
प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन एंड लाइक कमेंट एंड शेयर. थैंक यू.